मॉर्निंग, वेलकम बैक। और मैं पहुंच चुकी हूँ बिरता मोड़। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, मुझे पता है, क्योंकि बहुत बुरी हालत हो गई मेरी गाड़ी में। और अभी मैं बिरता मोड़ पहुंची थी सुबह 5 बजे। अब मुझे यहाँ से 7 बजे टैक्सी मिली है फिक्कल जाने के लिए। फिक्कल से मुझे, जहाँ पे मैं रह रही हूँ, वो मुझे पिक करने आएंगे इलाम के लिए। बाप रे, कल शाम से 6 बजे से ट्रैवल कर रही हूँ और मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है। मेरे चेहरे पे भी दिख रहा है, थक गई यार, यहाँ से वहाँ गाड़ियाँ बदल बदल के मेरी वॉट लग गई। अब मुझे ऐसा है कि बस अब मुझे एक रूम मिले, बेड मिले और मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँ आराम से, और मैं सोऊंगी आज रात। आज मैं जाती फ्रेश होकर मैं पहले रेस्ट करूँगी, मैं अच्छे से सोऊंगी, उसके बाद मैं करूँगी जो भी मुझे करना होगा। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अगर आप जनकपुर से आ रहे हो तो आपको जनकपुर से लोकल बस मिलेगी, एसी बस नहीं मिलेगी। 800 रुपये किराया है, वो बिरता मोड़ उतारेगी। बिरता मोड़ से टैक्सी चलती है सुबह 7 बजे, जो आपको फिकल उतारेगी, या फिर अगर आपको इलाम जाना है तो आपको फिकल उतारेगी वहाँ से। आपके आगे आपको इलाम जाना है, आप पता नहीं कि ये फिकल उतारती है, बाकी जगह भी उतारती है, बट मेरे ओनर ने, जहाँ पे मैं रह रही हूँ, मेरे होस्ट जो है, उन्होंने बोला फिकल उतर जाओ, वहाँ से मैं आपको पिक कर लूँगा। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा मेरा गला। ये है बिरता मोड़ का बस पार्क, यहाँ पे टैक्सी और बसेस वगैरह, ऑटो वगैरह खड़े हैं। यहाँ अंकल ने, फिर से भैया ने गाड़ी रोक दी, थोड़ा सा चल के वेट कर रहे हैं कुछ लोगों का जो अभी नहा रहे हैं वॉशरूम में। मतलब क्या बोले लोगों को, जो गाड़ी में बैठे हैं, जो इतना ट्रैवल करके आए हैं, जो थके हैं कि जैसे तैसे अपनी जगह पहुँचे, उनका उनको ध्यान नहीं है। जो अभी अपने वॉशरूम में घुसे हुए हैं नहाने के लिए, वो उनका वेट कर रहे हैं कि वो लोग आएंगे नहा के, ब्रेकफास्ट करके फिर गाड़ी चलेगी। ये तो हाल है लोगों का। और ये भी इसीलिए है क्योंकि वो उनकी पहचान में है, जो भी अंकल लोकल ही हैं वो भी, और उनके पहचान में, तो इसीलिए अभी वो उनका वेट करें। अब मुझे भी वेट करना पड़ेगा यहाँ बैठ के। मुझे पहले पता होता मैं दूसरी गाड़ी में चले जाती, पर मैंने सोचा चलो ठीक है, इसी गाड़ी में चले जाते हैं। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगती है, जो लोग दूसरों के टाइम के बारे में नहीं सोचते और उनके टाइम की इम्पोर्टेंस नहीं रखते। 5-10 मिनट का वेट हो, बंदा कर लेता है, दैट्स नॉट एन ईशू। बट इमेजिन, वो अभी नहा रहे हैं, वो भी वॉशरूम में है, अभी उनके हस्बैंड से बात हो रही थी और वो भी नहा रहे हैं, उनकी शायद वाइफ जा रही है, जो भी जा रहा है, अभी वो निकलेंगे नहा के और फिर ये गाड़ी इनकी स्टार्ट होगी। अब बैठो, वेट करो यहाँ पे बैठ। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, मैंने चाय तक नहीं पी हुई। मुझे ये कि मैं वहाँ जाऊँ थोड़ा फ्रेश होके, फिर मन करता है कुछ खाने का या कुछ पीने का। मतलब मुझे ऐसे होता है, अगर मैं ट्रैवल ना कर रही हूँ तब तो बात अलग है, तब तो आप नॉर्मल ब्रश व्रश करके आप चाय कॉफ़ी पी लेते हो, बट अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो फिर मुझे होता है कि यार डस्ट वगैरह पड़ी होती है बहुत, और नहा के, मतलब मुझे है, मतलब मेरा OCD काफ़ी वैसा है। हम अभी टी गार्डन आए हैं, कन्यम, मैं और मुझे आपका राकेश, रमेश मुझे यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं इलम में, मैं इनकी जगह रुकी हुई हूँ। तो अभी मैं इलम पहुँची नहीं हूँ, अभी हम सिर्फ फिकल पहुँचे हैं, वहाँ ये मुझे लेने आ गए थे और अब हम वहाँ से ये टी गार्डन देखने आ गए, क्योंकि ये फिकल में ही है और पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी हम ये देखने आए हैं, यहाँ का सबसे फेमस वो है टी गार्डन है, सबसे ज़्यादा फेमस यही वाला है ना, सबसे ज़्यादा नेपाल का फेमस टी गार्डन है ये वाला।
ये अभी हम इस शॉप पे आए हैं, चाय बना रहे हैं हमारे लिए। मैं ही ले लेती हूँ, थैंक यू। हाँ यहाँ पे वो खिंचवाते हैं आसाम पे। हम ऐसे खिंचवा सकते हैं फोटो, बट अभी हालत नहीं है ठीक। हालत बहुत बिगड़ी है। नहीं नहीं मैं वहीं खिंचवा लूंगी, इलाम में। डिस्ट्रिक्ट का नाम इलाम है। हाँ। पर वहाँ पे है ना चाय पत्ती के पेड़, वहाँ पे खिंचवा लूंगी फोटो, वहाँ पे वीडियो बना लूंगी। यहाँ पे नहीं, इतना बड़ा वाला नहीं, छोटे मोटे। हाँ छोटे मोटे काफी हैं। काम चल जाएगा। 15 सेकंड की रील चाहिए, छोटे मोटे में भी हो जाएगा। अब हम ऊपर जा रहे हैं, ये है ऊपर, यहाँ से ऊपर वो नहीं है, ये ऊपर। आप वो दिखा रही हैं। अब नहीं नहीं फ्रंट कैमरा है। हाँ फ्रंट कैमरा, नहीं फ्रंट कैमरा से दिखा रही हूँ। वो सामने झंडा लगा है नेपाल का। मैं थक जाती हूँ थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के। अच्छी करती हूँ मेरे, देखना आपका फ्यूचर है इसमें। फ्यूचर का पता नहीं पर प्रेजेंट तो बिल्कुल है मेरा। प्रेजेंट तो मेरा बिल्कुल है, फ्यूचर का आगे, फ्यूचर में देखेंगे। यहाँ पे पहुंच के ऊपर। हाँ बैठते हैं, मैं पहले यहाँ का एक शॉट ले लूँ। पूरा ये बादलों से कवर हो रखा है ऊपर तक। ये सिर्फ टी गार्डन से है यहाँ आसपास। मेरी सांस फूली हुई है। ये सामने लोग यहाँ पे ये चाय पत्ती तोड़ रहे हैं। मेरी मम्मी भी करती थी, अभी तो उसके पास टाइम नहीं है। ये देखो ये सारे लगे हुए हैं यहाँ पे चाय पत्ती तोड़ने। चलो अब हम जा रहे हैं उस साइड जहाँ पे चाय पत्ती तोड़ी जाएंगे, वो वहाँ पे तोड़ी जा रही है। अच्छा नीचे तो हम उतर जाएंगे, फिर ऊपर चढ़ना आपके लिए मेरे लिए मुश्किल होगा। ये देखो ये स्लीपर है। वो बहुत सेफ है। अभी भी बन रहा है, इधर देखो हाथ हिलाना। ये देखो ये चाय पत्ती तोड़ के रखी हुई है यहाँ पे। Let's go उधर। और ये इससे काटते हैं ना, और इससे इसके बीच में आती जाती है काट के। अच्छा अच्छा मैं करके देखो। मैं दो बार फिसली हूँ, मेरा पाँव दो बार फिसला है। मैंने रील बनाना चाहा पर कुछ और ही बना है वो। पर मैं डाल दूंगी वो भी एज अ, हाँ एज अ ब्लूपर मैं डाल दूँ। ब्लूपर क्या, जो भी सच्चाई है डाल दूंगी, पोस्ट कर दूंगी मैं। जगह अच्छी है ना। हाँ जगह अच्छी है, ये देखो बहुत प्यारा है ये स्लीपर है, बट ये सीधा है ना। हाँ। तो यहाँ पे इतना वो नहीं होगा, वो ऐसे करके था नीचे को। हाँ मैं ग्रास के ऊपर ऊपर पाँव रखूंगी तो फिर शायद। चलो वापिस ट्राइपॉड से होता है, थोड़ा दूर से ना पूरा पीछे का ज्यादा व्यू आ जाता है। देखो ऐसे हाथ से पकड़ूंगी तो मेरा हाथ भी थक जाएगा और इतना दिखेगा भी नहीं। मैं लोकल हूँ। हाँ तुम लोकल हो, मैं जम्मू कश्मीर से। हाँ मैं दिखती हूँ नेपाली, तो मैं दिखती हूँ बस, फिर नेपाली हुई। लोकल ही हुई, भाषा आती है हिंदी। अब थोड़ी थोड़ी नेपाली भी आना शुरू हो गई है। कैश खबर यही होता है ना, कैसा खबर, हेलो कैसा खबर। अब मैं सबको ऐसे ही पूछूंगी नेपालियों को, जितने भी मेरे नेपाली दोस्त बने हैं ना यहाँ पे, सबको मैं बोलूंगी कैसा खबर। हाँ गिनती सीखनी है मुझे, मुझे गाड़ियों के नंबर पढ़ने में, और इन ड्राइव पे जो मैं राइड बुक करती हूँ ना, मुझे वो नंबर पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। गिनती सीख के जाऊंगी मैं 10 तक। 0 आता है मुझे,
और तीन आता है और आठ आता है, ऐसे उल्टा तीन बना के तीन अक्षर आते हैं, सात अक्षर बाकी रह गए मेरे। हाँ, ये चाय पत्ती रखी हुई है यहाँ पे तोड़ के, ये आंटी लोग काम करके आए हैं अभी मेहनत करके, और ये चाय पत्ती सभी। मारेगा तो नहीं ये वाला, ये सब्जी वेजिटेबल है ये। पहले मुझे दूर से दिखा था, मुझे लगा अमरूद होगा, ये आलू जैसा ही है। अच्छा, इसको ऐसे अकेले में बनाते हैं या? मैं आपको बाद में। और ये क्या पन्नी में? ये टोमेटो है, स्पेशल लोकल टोमेटो। अच्छा, यहाँ के टमाटर अलग है, ऐसे अलग से लग रहे हैं। पहले मुझे लगा बैर है टमाटर अलग से है ये। अब ये पूरा गार्डन कवर कर लेगा बादल, पूरा ये सारा एरिया। अब हम यहाँ पे आइए, जो नीचे दिख रहा है ये सारा, ये सारे बादल है। जब हम ऊपर बैठे थे ना, ये बहुत दूर दूर दिख रहा था, मैंने इसका शॉट भी डाला हुआ है। अब ये बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं सीधा फेस पे, ये देखो मेरे पीछे जो वाइट वाइट दिख रहा है पूरा, ये सारे बादल है। ठंडा भी लग रहा है ना यहाँ पे, अभी अच्छा लग रहा है। हम ऊपर से चल के आए हैं, बहुत गर्मी लग रही थी यहाँ पे, ऐसे लग रहा है जैसे एसी से हवा आती है ना ठंडी, एकदम वैसे लग रहा है। एक मैं रखती हूँ। इसमें इन्होंने चने डाले हुए हैं ना, काले चने। वो तो आंटी थी यहाँ की, इसलिए थोड़ा स्लो ले आया, वरना तो ऐसा हो जाता और तेज लाते। हम अभी पहुंच चुके हैं ऊपर जहाँ मैं रुक रही हूँ। अब यहाँ से हमें आधा घंटा चल के जाना है, ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी, अभी मुझे पता चली है। बट हमने, मेरा जो ट्रॉली बैग था वो मैंने नीचे छोड़ दिया, एक अंकल थे उनके घर पे, क्योंकि उसमें बहुत सारा कपड़े हैं। और अभी चढ़ाई है यहाँ पे यार, क्या मैडम लगे, प्लेन रास्ता नहीं है। ये हम यहाँ तक आ गए हैं चढ़ के, अभी और ऊपर जाना है। मेरे चेहरे की हालत देखना, कुछ भी नहीं है, मुझे हो गया। Where is your goggles? हाँ, इसमें डाले हुए बैग में। थक गई मैं, अभी और चढ़ के जाना है ऊपर। इससे बनती है चाय, ये जो हल्के हल्के से वो होते हैं, ये जो डार्क, ये जो डार्क है, ये नहीं होते, इससे नहीं बनती चाय। नहीं, इससे तो इसको फेंक देते हैं फिर। नहीं, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। अच्छा, ये यहाँ का टी गार्डन, तो ये जो यहाँ पे लोग रहते हैं गांव में, उनका होगा ना नीचे वाला। अच्छा, ऐसे काफी लगा रखा है इन्होंने। फिर वहाँ से कलेक्ट करके पिकल ले जाते हैं। अच्छा, और आपने सिर्फ अपने घर के लिए लगाई है ना? मैं लगा रहा हूँ ज्यादा। जब ये बारिश खत्म होगी तो मैं लाइन रेडी करूंगा। हाँ, अगले साल। हाँ। मुझे पता था वहीं से शॉर्टकट लोगे तुम। ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ, वो जो नीचे कौन सा वाला था, ब्लू वाला, ब्लू वाला वो रेड वाले घर के नीचे ना, वो जो नीचे लाइन से दिख रही है ना, यहाँ यहीं से आए हैं ना हम, ये तो नदी है। हाँ, नदी के ऊपर वो रोड है ना, वहाँ से। अच्छा, वहाँ से आए हैं हम। बस अभी वो घर दिख रहा है, एक छोटा सा वाइट कलर का, अगर दिख रहा हो वहाँ जाना है। वॉट लग गई है,
नहीं हुआ। ये बॉटल डाल देना उसमें, बैग में डाल दो उसको। यहाँ से जाना है ना, कुछ भी नहीं हुआ आधे घंटे से। अभी वापस पहुंच जाती, यहाँ से शुरू किया था फिर मैंने आना भी नहीं था मैंने वहीं रुक जाना था पड़ोसियों के घर पे, मैंने कहा मुझे रख लो वहीं। यहाँ पे मक्की भी लगी हुई है, ये सूखी पड़ गई है। मैं सोच रही थी मैं खाऊंगी इसका आटा, इसका आटा वगैरह निकलवा लिया है। अरे यार मुझे मक्की की रोटी बहुत अच्छी लगती है। कितनी नीचे है, चल के जाना है? उतना ज्यादा नहीं है जितना अभी हम आए। नहीं नहीं मैं तो दूसरी रोटी खा लूंगी रोटी नहीं खाते हैं लोग, जो भी होगा मैं खा लूंगी। पर मैं नीचे उसी दिन जा रही हूँ जिस दिन मैं वापस जा रही हूँ, दो दिन बाद। मैं आपको नीचे नहीं ले जाऊंगा, गाड़ी यहीं आएगी। फाइनली पहुंच गए, ये है हमारा घर, ये वाला है ना। थैंक गॉड पहुंच गए, शुक्र है। देखना कैसे बैठ गई, कैसे बैठी देखना। हेलो हेलो बोलो, म्याऊ म्याऊ भी नहीं बोलती ये, म्याऊ 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 म्याऊ। बैठी कितने प्यार से है, भूख लगती है तब वो म्याऊ करती है। हाँ ऐसे नहीं, वो कमीना भोंकता रहता है हर बार। वो देखो अरे की है, उसको बाहर छोड़ दो। हाँ तो ये चिकन सारे मार के खा जाएगा, खा जाएगा, तब इसको बंद करके रखा हुआ। पहुंच चुकी हूँ अपनी डेस्टिनेशन, ये मेरा रूम है और ये आंटी का घर है, ये पूरा इनका, ये पूरा इनका घर है। मैं मेरा रूम दिखाती हूँ। वैसे यहाँ पे तीन बेड लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है और दो यहाँ पे लगे हुए हैं, तो मैंने ये वाला बेड लिया है क्योंकि मुझे विंडो साइड चाहिए था। और ये किचन है और इसके आगे भी है, वहाँ पे गाय वगैरह बंधी हुई है। ये यहाँ का है, ये किचन वाला एरिया, ये दूसरा एरिया है। और ये यहाँ से पूरा दिखता है पहाड़ वगैरह।